Assalamualaikum and hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग. Welcome back to my YouTube channel. My name is Murwa. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जर्क सीजनिंग की रेसिपी, जो कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा, यूनिक सा, डिफरेंट सा स्पाइस मिक्स है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल स्पाइस मिक्स है. तो आई होप आपको ये स्पाइस मिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा. तो आज की रेसिपी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या किया है, मैंने एक जार लिया है और उसको मैंने लेबल कर लिया है जर्क सीजनिंग के साथ, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा स्पाइस मिक्स इसके अंदर है. अच्छा, अब इसी के अंदर मैं सारी चीज़ें डालती जाऊंगी, जिसमें जा रहा है गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर. इसके साथ साथ इसमें मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट यानी कि नमक. और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ जनाब, अब मैं इसमें ऐड कर दिया है अनियन का पाउडर. आपको आराम से मिल जाता है, हर जगह पे मिल जाता है. इसके छोटे छोटे इस तरह से पीसीस से बन जाते हैं, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा. ऐसी कोई घबराने या परेशानी की बात नहीं है. अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ केन पेपर. ये भी आपको ईजीली मिल जाता है, हर जगह अच्छे सुपर स्टोर से आपको मिल जाता है. मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि इस तरह की पैकिंग में होता है, आप लोगों को केन पेपर आसानी से मिल जाता है. अगर आपके पास नहीं है और आप लोगों को स्पाइस मिक्स बनाना तो आप लोग लाल मिर्चों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ड्राइड थाइम. ये एक हर्ब है जो कि ड्राई किया हुआ होता है. ये मैंने इस्तेमाल किया है, ये भी आपको आसानी से मिल जाता है और एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है. जितने भी मैं इसके अंदर चीज़ें डाल रही हूँ, कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है. अच्छा, अब मैंने इसके अंदर ऐड की है ब्राउन शुगर. ब्राउन शुगर भी आप सब लोगों को पता है ईजिली मिल जाती है. ब्राउन शुगर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है. अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ पेपरिका पाउडर. ये भी इजीली अवेलेबल है, बल्कि तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी. इसके अंदर अब मैंने ऐड किया है जनाब ऑल स्पाइस पाउडर यानी कि गरम मसाला का पाउडर. ये इसके अंदर चला गया. अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर का पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर. और मैंने इसके अंदर अब ऐड करना है नटमेग का पाउडर यानी कि जो जायफल होती है उसका पाउडर मैंने बना लिया था, वो इसके अंदर ऐड किया. और लास्ट में इसके अंदर जा रहा है जी सिनेमन पाउडर यानी कि दारचीनी का पाउडर. एंड दैट्स इट, ये आपका स्पाइस मिक्स जो है बिल्कुल हो चुका है तैयार. सारे मैंने स्पाइस मिक्स के जो जितने भी इन्ग्रीडियंट्स थे सारे एक जार में डाले. इसको मैं लिड लगाऊंगी और इसको मैं शेक 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 करूंगी और ये आपका ज़बरदस्त सा स्पाइस मिक्स हो जाएगा बिल्कुल तैयार. ये जो स्पाइस मिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है. मैं इसको कभी कभार जब मैं ऑमलेट बनाने होता है मुझे ब्रेकफास्ट में, तो मैं इसको ऑमलेट में डाल के यूज़ करती हूँ. मैं इसको फ्रेंच फ्राइज के ऊपर स्प्रिंकल करके यूज़ करती हूँ. कोई भी मुझे चीज़ बनानी हो, किसी भी चीज़ में मुझे स्पाइस मिक्स चाहिए इस तरह का, तो बहुत ही इसका माइल्ड सा फ्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है. आप लोग इसको अपनी जो है अपनी मर्ज़ी से इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. आप कोई भी कॉन्टिनेंटल डिश बना रहे हों, कुछ भी बना रहे हों, तो इसमें ये वाला स्पाइस मिक्स बहुत ही ज़्यादा सूटेबल रहता है. इस स्पाइस मिक्सर को बना के आप लोग एयर टाइट जार में भर के तो ये 3 से 4 महीने 5 महीने अच्छा रहता है. इसे आप बना के रख ले, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इस स्पाइस मिक्स को यूज़ करते हुए बड़ी ज़बरदस्त सी आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आ रही हूँ. तो मैंने सोचा कि ना स्पाइस मिक्स पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए. और तैयार है आपका जर्क सीजनिंग और ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्पाइस मिक्सर हमारा हो गया है तैयार. तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी. ज़रूर ज़रूर एक दफ़ा वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को अगर आप पसंद करें तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी. फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ. तो आप लोगों ने क्या करना है, करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब. और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो मेरे तो बहुत सारा थैंक यू. फिर मिलते हैं आप लोगों से एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.